हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक ऐसे ऑयल के बारे में बात करने वाली हूँ जो ना आप सिर्फ हेयर पे लगा सकते हो, स्किन पे लगा सकते हो, बल्कि आप उसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हो। वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो हर घर में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, खाने के, लगाने के। पर कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ पर मुझे वो सूट नहीं कर रहा है, उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कोकोनट ऑयल प्योर होना चाहिए। और प्योरिटी का पता हम कैसे लगा सकते हैं कि उस कोकोनट ऑयल को कैसे बनाया गया है, क्या प्रोसेस अपनाई गई है। मार्केट में कुछ ऐसे ऑयल्स भी अवेलेबल हैं जो कि हीट दे के बनाए जाते हैं, और जब आप हीट दे के ऑयल को बनाओगे तो उसके सारे न्यूट्रिशन, विटामिन वहीं ख़त्म हो जाते हैं और उसके कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो आज की वीडियो में जिस कोकोनट ऑयल के बारे में बात करने वाली हूँ वो है ये मैरेबीको का कोकोनट ऑयल है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, 100% वर्जिन ऑयल है। और इसको बनाने में कोकोनट मिल्क का यूज़ किया गया है और कोल्ड प्रोसेस मेथड का यूज़ किया गया है, जिससे इसमें सारे विटामिन्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है अगर आप कुकिंग में भी यूज़ करते हो। और कोकोनट ऑयल में बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जिस प्रोसेस से इसको बनाया गया है उस प्रोसेस के कारण इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कोकोनट ऑयल को आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। मैं इसको डबल क्लेंजिंग के लिए यूज़ करती हूँ, आजकल ऑयल पुलिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, और मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ, कई बार कुकिंग में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको मैं कई तरीक़ों से यूज़ करती हूँ। इस ऑयल को किन किन तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगी। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये 3 sizes में अवेलेबल है। तो ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये दोनों मैंने ओपन ही नहीं किए हैं। और ये जो पैक है ये 500 ml का पैक है, प्राइस की बात करूँ 395 rupees का है, और ये 250 ml का पैक है, और इसका जो प्राइस है वो 235 rupees है, और ये 100 ml का पैक है। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 120 rupees का है। आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने वाले हो तो आप ये छोटे साइज से ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसको यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा प्योर है। और आप DIY में और कुकिंग में और कई तरीक़ों से इसको जैसे भी आप यूज़ करना चाहें आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। इस ऑयल को आप किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, तो सबसे पहले हेयर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, आपके बालों की डीप कंडीशनिंग करने में ये हेल्प करेगा। एज अ मॉइस्चराइजर आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, ड्राई स्किन है, फ्लैकी स्किन है, तब ये बहुत अच्छे से काम करेगा। वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। आप अपने ड्रिंक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो आपके वेट लॉस करने में भी आपकी हेल्प करेगा। आपकी स्किन टैन हुई है, सनबर्न हुआ है, तभी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हील करेगा। आप चाहें तो इसको एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर खाली आप इसी ऑयल से मसाज करेंगे तो आपको सनबर्न को हील करेगा, साथ ही साथ टैनिंग को दूर करता है। हमेशा सुना होगा कि जब भी स्टिचेस लगते हैं बॉडी पे, तो जब वो कट हो जाते हैं इसके बाद कहा जाता है कि कोकोनट ऑयल से लगाना चाहिए, उससे मसाज करनी चाहिए हल्के हाथों से। वो इसलिए क्योंकि ये वूंड, जब भी कोई जख्म हो जाता है, वूंड हो जाते हैं, उसकी रिकवरी में भी ये हेल्प करता है। ये कोकोनट ऑयल फंगल इन्फेक्शन से भी आपकी हेल्प करेगा। आपने अक्सर देखा होगा हाथ में ये जो फिंगर्स होती हैं उनके बीच में स्किन ड्राई होने लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इन्फेक्शंस होने लगते हैं, उसको भी ट्रीट करता है। रिंग वॉर्म हो गए आपको, उसकी भी प्रॉब्लम को ये दूर करेगा। कोकोनट ऑयल आपके जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, स्कार्स हो गए हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं, उनको भी कम करने में हेल्प करता है। ये कोकोनट ऑयल आईवैक्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा, डार्क सर्किल प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा। आपको करना क्या है, 1-2 drops ले लीजिए इस कोकोनट ऑयल की, और आई के आसपास अच्छे से मसाज कीजिए, 15-20 दिनों में ही आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। आपने इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं तो आप इसको एक बार बिल्कुल यूज़ करके देखो, और बहुत सारे तरीक़ों से इसमें और सारे ऑयल्स वगैरह मिला के आप इसको यूज़ कर सकते हो, जेल्स वगैरह में मिला के यूज़ कर सकते हो, फेस पैक, फेस मास्क, हेयर पैक, किसी भी चीज़ में आप मिला के इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखो, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।